डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, क्लास ट्वेल्थ के लिए जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे कि आखिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज या उपयोग कहाँ कहाँ होता है या फिर उसका उपयोग हम लोग कैसे कर पाते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो है मिरीचिका है, ठीक है, फिर प्रिज्म है, फिर हीरा है और फिर ऑप्टिकल फाइबर है। ये जितने भी घटनाएं हैं ये किस पे आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। कोई पूछेगा कि आखिर मिरीचिका जो है किस घटना पे आधारित है, किस या फिर मिरीचिका किसके कारण होता है, तो राइट आंसर इज पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आखिर प्रिज्म में कोई किरणें जाती है तो 90 डिग्री से मुड़ती है, किसके कारण ऐसा होता है, तो आप बोलिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगर कोई पूछेगा कि हीरा क्यों चमकता है या हीरा चमकदार होता है क्यों, तो आप उसको आंसर कीजिएगा क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से डॉक्टर अंदर की जो आंत में कहीं गड़बड़ी हो जाती है, फॉल्ट हो जाती है, तो एक पाइप डालते हैं ऑप्टिकल फाइबर का मुंह के माध्यम से और वहां पे वो चीजें सर्च कर लेते हैं तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कारण है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो दोस्तों, हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटनाएं हैं उसमें हम लोगों ने मिरीचिका के बारे में पढ़ा, जो एक तरह का प्रकाशीय भ्रम है, रियल बिल्कुल नहीं है, और दूसरा प्रिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है हीरा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, डायमंड, जो कि बहुत कीमती होता है। और इसका एक खास वजह यह है कि इसका कीमती होने के कारण कि ये बहुत चमकदार होता है। ठीक है, ये बहुत चमकदार होता है। आप अंधेरे में इस हीरा को रख दें और कहीं से एक लाइट भी आ गया ना तो पूरे घर को रोशन कर सकता है, इसमें ये क्षमता होती है, अगर आप ओरिजिनल हीरा को देखे होंगे तो। तो कुल मिलाकर हीरा में एक तरह का गुण है कि ये बहुत चमकदार होता है, रोशनीदार होता है। अगर इस पे एक लाइट भी पड़ जाए ना, बहुत चमकने लगता है। आखिर क्यों, इसके पीछे का 100 बात की एक बात, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब ये घटना कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक चूंकि सबसे ज्यादा होता है इसलिए इसका क्रांतिक कोण जो है सबसे कम होता है। ये बात आपको अटपटा लगेगा। आप एक टेबल में बनाए होंगे जब हम लोग अपवर्तन और अपवर्तनांक को पढ़े थे कि कांच का कितना होता है, मिट्टी तेल का कितना होता है, हवा का कितना होता है अपवर्तनांक, सबका अपवर्तनांक हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। उसमें आपको पता चल रहा होगा कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा है तो कितना है, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो जब हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है तो इसी के कारण क्रांतिक कोण इसका उल्टा सबसे कम होता है। यानी कि अगर अपवर्तनांक किसी भी वस्तु का ज्यादा होता है तो क्रांतिक कोण का जो मान है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो लिखा जाए फर्स्ट पॉइंट में, चूंकि हीरा का अपवर्तनांक ब्रैकेट में देकर लिख लेंगे 2.42, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 ब्रैकेट में लिख देंगे 2.42 अधिक होने के कारण हीरा का क्रांतिक कोण बहुत कम
24.4 डिग्री होता है, बहुत कम 24.4 डिग्री होता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो। ये बात तो आप समझ रहे हैं कि चूंकि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों में, सभी मटेरियल में सबसे अधिक पाया जाता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। और कम का मतलब कितना डिग्री होता है, 24.4 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरो देखकर लिखेंगे। नेक्स्ट एरो, हीरे के टुकड़े को, हीरे के टुकड़े को उचित प्रकार से काटने पर, उचित प्रकार से काटने पर इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश का किरण, इसमें प्रवेश करने वाला प्रकाश का किरण इसके अंदर, इसके अंदर कई स्थानों से, इसके अंदर कई स्थानों से पूर्ण परावर्तित होता है, पूर्ण परावर्तित होता है, जिसके कारण, जिसके कारण हीरा, जिसके कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हीरा का। तो हीरा तो जानते हैं कि हीरे कई सतह में बटे होते हैं, हीरा के कई सतह होते हैं, लेकिन यहाँ पे हीरा का हम एक कटा हुआ भाग लेते हैं। जैसे मान लिया कि हीरा का कटा हुआ भाग कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये हम लोगों को हीरा का एक कटा हुआ भाग है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं हीरे के कई सतह होते हैं, ठीक है, तो अगर एक हम बोले तो हीरे का एक हिस्सा है, हीरा का एक डायमंड का एक हिस्सा है, एक भाग है। अगर मान लिया जाए दोस्तों कि इस सतह से अगर हम लोग किसी लाइट को इंटर कराएं, तो यहां से ये सीधा मुड़ता है, बिल्कुल एक प्रिज्म के जैसा एक सतह से जाते हैं तो 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम में ही मुड़ जाता है, फिर यहाँ पे एक सीधी रेखा से मुड़ती है, और सेम थिंग्स यहाँ पे प्रकाश की किरण इधर मुड़ी और फिर अपने ही सतह, अपने ही जिधर से किरणें, जिस सतह से किरणें इंटर हुई थी उधर ही निकल गई। अब आप बताइए कि एक किरणें आई थी, एक किरण को हम लोगों ने भेजा था, लेकिन ये जो है कई सतह से टकराया, पहला टक्कर यहां से आया, दूसरा टक्कर, तीसरा टक्कर, चौथा टक्कर, और दोस्तों यहां से भी निकलेगा तो कोई और सतह में टकराएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल याद रखिएगा कि हीरा जो है चमकने का क्या कारण है। तो सबसे पहले इसका अपवर्तनांक चूंकि ज्यादा होता है, इसलिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, कम होता है। दूसरा कारण कि जो हीरे के कई सतह होते हैं और इन सतहों से जब एक प्रकाश की किरण गुजारा जाता है, प्रवेश कराया जाता है, तो इस ये जो किरणें हैं कई सतहों से टकराता है और न जाने कितनी बार टकराता है, इसलिए ये किरणें हमें चारों तरफ से चमकते हुए नजर आते हैं और फिर हम लोग बोलते हैं कि हीरा क्या है, चमकता है, चमकदार होता है।
क्लियर। तो अब आपको मैकेनिज्म समझ आया होगा कि आखिर हीरा चमकता क्यों है, क्योंकि इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हर सरफेस पे होता है, हर कई बार टक्कर के बाद होता है। इसलिए दोस्तों हीरा जो है चमकता हुआ दिखाई देता है, और ये कॉस्टली ये महंगा भी इसी के वजह से है, क्योंकि जो चीजें अगर मानव का प्रेमी है उसके लिए तो आप जानते ही जान खो देता है, उसी तरीके से मानव का एक प्रेमी के जैसा है हीरा, यानी कि बहुत लोगों को ये मनभावन है, ठीक है, मन को भा लेता है ऐसी हीरा को देखकर, इसलिए ये जो है। और वही नहीं,